हाँ तब जा रही है ये गया ये जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं आज आई हुई हूँ सुंदस की तरफ और अफ्तार पार्टी पे। माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है वो अफ्तार तकरीबन रेडी है और अफ्तार का टाइम भी जो है वो होने वाला है। तो बहरहाल अफ्तार में क्या क्या है ये तो मैं डिटेल से बताऊँगी। और अभी जो है टेबल हाफ तो लग चुकी है, बल्कि शायद ऑलमोस्ट। हाँ, और ये जो है सुंदस ये जरा मुझे रख लेने आप। एज यूजुअल मुश्किल चीजें जो है बना बना के हमें खुश कर रही है और हमें भूख भी लग रही है खुशबू से। ये है माशाल्लाह टेबल रेडी। आज सुंदस ने जो है वो टेबल पे सब लगाया है क्योंकि आज अच्छा आज वैरायटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है आज हमारे मजे भी ज्यादा हैं, तो हम जो है खूब इंजॉय करेंगे। और माशाल्लाह तो काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं प्यारी सी। सब डिटेल से बताती हूँ। और जो बुफे टेबल है वहाँ पे जो है सिर्फ बर्तन लगाए गए हैं आज, शरबत एंड बर्तन। तो बच्चे गए हुए हैं हेल्प करने किचन में और मैं बना रही हूँ व्लॉग। और ये जनाब माशाल्लाह खुशबू आ रही है खूब इधर से उधर, अरोमा फैले हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा किसका अरोमा है किसका है, कोई चीज पता नहीं चल रही, इतने अरोमा फैले हुए हैं। सुंदस का किचन भी नीट क्लीन हर चीज। सुंदस तुमने वो वाइब्स फैलाई हुई है कि बस खत्म सब, हाँ दी एंड हो गया बस अब खत्म। ओ माशाल्लाह यहाँ पिज्जा भी बन रहा है, ये देखो सुंदस जो है ना वो बड़ी एफर्ट वाली इफ्तारी करती है। माशाल्लाह ये यहाँ पिज्जे बने हुए हैं, ओ कब्सा राइस क्या बात है। हाँ तब जा रही है ये गया ये जा रहा है। सारे मोरिशाल भी पहुँच गए हैं। अच्छा यहाँ जो है वो डेट्स बॉल बनी हुई है, ये है पास्ता एंड ये मुझे सीजर पास्ता लग रहा है। बाहर वाली पास्ता है वाइट पास्ता, फ्रूट चाट चटनियाँ, ये वो है ना नम 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 नम, ये क्या है इसको क्या कहते हैं, चोरबा, ये चोरबा बना हुआ है ना सुंदस। ये हलीम है या शोरबा है? शोरबा। अच्छा अच्छा ये शोरबा बना हुआ है जो कि असल में जो प्रोनाउंसिएशन है वो चोरबा है, इसे चोरबा है बट हम इसे शोरबा कहते हैं। यहाँ पे यहाँ तक आते आते इसका नाम बिगड़ गया है। अच्छा मैं समझी तुम टाइम पीस लगा रही हो, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। टाइमर लग गया, बस टाइमर बंद तो सब कुछ बंद। अच्छा ये कप्सा राइस है, ज़बरदस्त से चटनी है यहाँ की, ये डिज़र्ट है मज़ेदार सा। और ये ओह वाह 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 बारबेक्यू जी कौन जी। हाय ये हमारे शालिम भी आ गया, हाउ आर यू लिटिल बॉय, आए हमारे। अच्छा ये होममेड पैटीज वगैरह हैं, ये सब होममेड है। पिज्जा ये है जनाब जबरदस्त से, मिनी बर्गर्स हैं। अच्छा ये मैं दिखा रही थी, ये है चिकन, ये पूरा बारबेक्यू प्लेटर है, ये पूरा बारबेक्यू प्लेटर बना हुआ है। ये टेबल की डेकोरेशन, इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि ये इसी तरह गर्म रहे। ये तुमने बहुत बड़े पीसेस कट किए हैं, इसको और भी छोटा करो। हाँ जिसने लेना होगा दो ले लेंगे बट ये थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह, हाँ नहीं वो बन रहा होगा, मैं वेस्ट ना हो ना इसलिए कह रही हूँ। तो ये जो है जबरदस्त सी टेबल। यहाँ से ज्यादा खूबसूरत आ रहा है टेबल का लुक। अस्सलाम वालेकुम। तो जद्दा में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है और बस अफ्तार जो है वो डाल रहे हैं, मेरे ख्याल में 2-3 मिनट्स ही रहते हैं, तो मर्द हज़रात डाल लें तो फिर हम ख़वातीन भी
जो है वो अपनी प्लेट्स में तो अफ्तार जो है वो डाल लेंगी। बताएं जरा क्या कहते थे आपके मामू? अफ्तार हमने स्टार्ट कर दिया और अभी मैंने नोट किया यहाँ इस टेबल पे एक बड़ी खास चीज नोट की है, बताती हूँ। अच्छा गाइस, ये टेबल तो देखिए माशाल्लाह एक से बढ़कर एक चीज है, लेकिन इसमें जो है दही बड़े नहीं है, चने नहीं है, वो ट्रेडिशनल चीजें नहीं है। और वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा किया। एक तो आखिरी आखिरी रोजे चल रहे हैं, हाँ आखिरी रोजे चल रहे हैं तो हाँ, सबका दिल भरा, सही बात है, सबका दिल भरा हुआ होता है। हाँ वेल डन, वेल डन। तो मजा, मजे का लग रहा है। और फ्रूट चाट है जो कि बहुत जरूरी है, और फ्रूट चाट है माशाल्लाह, हाँ जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ऑन कैमरा तारीफ भी बहुत जरूरी है। बाकी हर चीज बहुत मजे की थी, एज यूजुअल हमने एंजॉय किया, जैसे हम हमेशा आते हैं और हम एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लवली इफ्तार एंड प्लस ईद टेबल एंड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत ही मजा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। ये लड़का बहुत मुश्किल से हाथ में आता है और आज मैंने इसे पकड़ लिया। ये तो ये है हमारा आज का इफ्तार और इफ्तार टेबल, और इसके अलावा प्लस ईद टेबल। जी तो यहाँ से आपको अपनी ईद टेबल के लिए भी बहुत से ज़बरदस्त आइडियाज़ जो हैं वो मिल सकते हैं कि अपनी ईद टेबल पे क्या क्या चीज़ें बना के रखें। आई होप कि मेरे आज के इफ्तार मेन्यू एंड प्लस ईद मेन्यू आइडिया जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।